अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद दाऊद। फर्स्ट एलिमेंट्स को हमने डिटेल से डिस्कस किया। आज की वीडियो में हम इंट्रोड्यूस करेंगे ग्रुप सेकंड ए एलिमेंट्स को, ग्रुप सेकंड ए एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इसके कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ अलॉन्ग विद देयर मिनरल्स, के कौन कौन से मिनरल्स जो है इसके एग्जिस्ट करते हैं, कहाँ कहाँ पर इसकी एग्जिस्टेंस होती है, तो ये चीज़ें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जो ग्रुप फर्स्ट जो सेकंड ए एलिमेंट्स है उसको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी बोलते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इसको इसलिए बोलते हैं बिकॉज देयर ऑक्साइड प्रोड्यूसेस अल्कलाइन सॉल्यूशन इन वाटर। अब ग्रुप फर्स्ट जो एलिमेंट्स है और ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स है, दीज आर बेसिकली मेटल्स, और हमने डिटेल से डिस्कस किया हुआ था पिछली वीडियोज़ में कि जो मेटालिक ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, मतलब ये वाटर में जब डिज़ोल्व होते हैं तो बेसिक सॉल्यूशन बनाते हैं, अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाते हैं। इस वजह से ग्रुप सेकंड ए एलिमेंट्स को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी बोलते हैं, क्योंकि अर्थ क्रस्ट में बहुत सारे मिनरल्स है इस तरह जिसमें कंबाइन फॉर्म में ये एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं और अल्कलाइन नेचर के वो होते हैं जब हम इसको पानी में डालते हैं। इस वजह से इसको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो है वो बोलते हैं। अगर एलिमेंट्स की हम बात करें तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रॉन्शियम है, बेरियम है और रेडियम है। इनके सिंबल्स जो है बेरिलियम का BE, मैग्नीशियम MG, कैल्शियम CA, स्ट्रॉन्शियम SR, बेरियम BA और रेडियम RA है। एटॉमिक नंबर इसके कुछ इस तरह हैं कि बेरिलियम का 4 है। अब 4 के साथ आप 8 करें तो 12 हो जाएगा मैग्नीशियम का। 12 के साथ जो है आप फर्दर 8 करें तो 20, कैल्शियम का 20 है। 20 के साथ फिर आपने 18 को ऐड करना है तो ये आ जाएगा स्ट्रॉन्शियम का 38। 38 के साथ आप फिर जो है 18 को ऐड करें तो बेरियम का आ जाएगा 56। और जो रेडियम है फिर आपने क्या करना है कि 14 प्लस 14 दो मरतबा आपने 14 ऐड करना है। क्यों ऐड करना है? क्योंकि जो लंथनाइड्स एक्टिनाइड्स है उसके भी 14 एलिमेंट्स वो दरमियान से वो निकल गए हैं, तो 14 जो है आपने वो ऐड करना है और 18 जो है साथ में आपने इसके लिए ऐड करना है। अब ये जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है, एटॉमिक नंबर इसको याद करने की ज़रूरत नहीं, ये बस आपने 4 के साथ 8, 8 के साथ फिर 8 और फिर उसके बाद 18, फिर 18, फिर 14 और 18 आपने ऐड करना है तो 88 आ जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम बात करें तो बेरिलियम का है 1s2 2s2, मैग्नीशियम का 1s2 2s2 2p6 3s2, इस तरह कैल्शियम का है 4s2, स्ट्रॉन्शियम का है 5s2, बेरियम का है 6s2 और रेडियम का है 7s2। आप देख रहे हैं कि इसमें जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है वो s सबशेल में है और s सबशेल में दो है इसके। फॉर एग्जांपल इसका 2s में है, इसका 3s में 2 है, 4s, 5, 6 और 7 जैसे जैसे हम नीचे आते जाते हैं तो शेल आफ्टर शेल जो है वो ऐड होता है। तो कंक्लूजन ये है कि वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन जो है इसकी है NS2, लाइक 2s2, 3s2, 4s2 एक्सेट्रा एंड सो ऑन। अब यहाँ पर आप देखें कि इसके दो चार जनरल प्रॉपर्टीज़ मैंने लिखी है। एक ये कि ये बात आप जहन में रखें कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो होते हैं दे आर कंपेरेटिवली लेस रिएक्टिव देन अल्कली मेटल्स। एक तो ये कि इसकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, दूसरी बात ये कि अक्रॉस द पीरियड हम जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी में वो इंक्रीज़ आता है। अब आयनाइजेशन एनर्जी अगर इंक्रीज़ होगी तो आसानी से ये रिएक्ट नहीं करेगा, जिस तरह हमने ट्रेंड्स इन आयनाइजेशन एनर्जी में वो डिस्कस किया था। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर कंपेरेटिवली लेस रिएक्टिव टू द अल्कली अर्थ मेटल्स, वो भी मेटल्स है, ये भी मेटल्स है। दूसरी बात ये कि लाइक अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आल्सो डू नॉट एग्जिस्ट फ्री इन नेचर। अब यहाँ पर हमने बात की कि ये कंपेरेटिवली लेस रिएक्टिव है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये कम रिएक्टिव है। लेस रिएक्टिव उसके मुकाबले में अल्कली मेटल्स के मुकाबले में लेस रिएक्टिव है। जो अल्कली और अल्कलाइन है वो दोनों जो है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, उसके आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, लेकिन अल्कलाइन जो है उससे थोड़ी सी वो डिफरेंट है, वो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है। अब रिएक्टिव नेचर होने की वजह से ये आपको फ्री स्टेट में वो नहीं मिलेंगे, इसको आप नेचर में कंबाइंड स्टेट में ही वो आपको ये चीज़ें मिलेगी। फॉर एग्जांपल इसके मिनरल्स आपको मिलेंगे या अंडरग्राउंड ब्राइन्स में आपको मिलेंगे। लेट्स से यहाँ पर मैंने जो है कुछ
वो इसके मिनरल्स का जिक्र किया हुआ है। कैल्शियम कार्बोनेट है जिसको हम कैल्साइट या लाइमस्टोन भी बोलते हैं, ये एक सोर्स है जो कैल्शियम का है। इस तरह मैग्नीशियम का मैग्नीसाइट है, मैग्नीशियम कार्बोनेट। जिप्सम बहुत कॉमन नाम है, आपने सुना होगा, हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट है, इसका फार्मूला मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। या डोलोमाइट जो है, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। इस तरह जो अंडरग्राउंड ये जो सी शेल होते हैं उसमें भी कैल्शियम एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा जो बेरिलियम है या फिर बेरियम है या फिर रेडियम है, ये जो एलिमेंट है ये ज़्यादा जो है नेचर में आपको नहीं मिलेंगे। अगरचे इसके भी मिनरल्स है, जिस तरह मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, बेराइल है, स्ट्रांचियोनेट है, बेराइट है, वेथराइट है, ये सब इनके मिनरल्स हैं। लेकिन अगर हम बात करें अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, तो इसमें कैल्शियम और इसमें मैग्नीशियम जो है, इसकी जो कंसंट्रेशन है, लेट्स से हम इस तरह ही बोल सकते हैं, वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर मेंबर्स, जो इसके दूसरे मेंबर्स हैं। इसके अलावा जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं ये वाइट इन कलर होते हैं, एक्सेप्ट बेरिलियम। बेरिलियम जो है वो इसका स्टील ग्रे कलर होता है। अब बेरिलियम एक ऐसा एलिमेंट है जो अपने दूसरे ग्रुप मेंबर्स से वो बहुत सारी चीज़ों में वो डिफरेंट है। इस वजह से हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि बेरिलियम का कौन सा पिकुलर बिहेवियर है, कि कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, कुछ कंपाउंड के नेचर में, आयनिक और कोवेलेंट कंपाउंड में, इसमें इनमें डिफरेंस आता है। इसको डिटेल से हम एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप ये याद रखें कि बेरिलियम जो है अपने दूसरे ग्रुप मेंबर से वो डिफरेंट होता है, और कलर के लिहाज से भी इसका स्टील ग्रे कलर होता है, और दूसरे जो है वो आपको वाइट मिलेंगे। डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये हाइयर है देन दोज ऑफ अल्कली मेटल्स। तो ये बात तो अंडरस्टैंडेबल है कि इसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट या डेंसिटी क्यों हाई होगी, क्योंकि अक्रॉस द पीरियड हम जा रहे हैं तो साइज़ वो डिक्रीज़ हो रहा है। जिस तरह साइज़ डिक्रीज़ होगा तो डिक्रीज साइज़ की वजह से डेंसिटी डेफिनेटली वो इंक्रीज़ होगी। दूसरी बात ये कि इसका मेटालिक बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रांगर होता है एज़ कम्पेयर टू अल्कली मेटल, जिसकी वजह से इसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वो भी ज़्यादा होती है। अब स्टूडेंट के जहन में ये क्वेश्चन आता है, इसका मेटालिक बॉन्ड क्यों स्ट्रांगर है? इसका मेटालिक बॉन्ड, बेटा एक बात आप याद रखें, मेटालिक बॉन्ड जो है उसका स्ट्रेंथ वो फ्री इलेक्ट्रॉन पर वो डिपेंड करता है। अल्कली मेटल्स के पास एक इलेक्ट्रॉन है वैलेंसी, और अल्कलाइन मेटल्स के पास दो इलेक्ट्रॉन है, तो इस वजह से उसका मेटालिक बॉन्ड वो स्ट्रांगर होगा डेफिनेटली, कम साइज होने की वजह से। इस पर चार्ज डेंसिटी मेटल के आयन की भी ज़्यादा है, तो इस वजह से इसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होगी अल्कली मेटल्स के मुकाबले में। इसके अलावा दे फॉर्म डाई पॉजिटिव आयंस लाइक Ca+2, Mg+2। तो ये तो आप लोगों को समझ आ रहा होगा, NH2 कॉन्फ़िगरेशन है तो दो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर रहे हैं। दे टार्निश इन एयर रिएक्टिविटी की वजह से, चूँकि इनका रिएक्टिव नेचर होता है, इस वजह से ये एयर में ख़राब होते हैं, रिएक्टिव रिएक्शन करते हैं। इलेक्ट्रो पॉजिटिव है मतलब लीस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है, मेलिएबल एंड डक्टाइल एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल के प्रॉपर्टीज़ है कि दे कैन बी ड्रॉन इनटू शीट्स एंड दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स एंड डेफिनेटली दे विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। टेल नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू वेरी मच।